फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र होविट्जर तोपों की तैनाती काफी सफल रही और इसकी सफलता को देखते हुए भारतीय सेना अब चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में K9 वज्र होविट्जर तोपों को तैनात करने की तैयारी कर रही है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने कहा है कि इन तोपों के परीक्षण पूरी तरह सफल रहे हैं और अब ऐसे 200 और होविट्जर तोप जो है वो खरीदे जाएंगे। इन्हें उत्तराखंड समेत मध्य सेक्टर और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वी सेक्टर में ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इन्हें वहां पर तैनात किया जाएगा जहां बख्तरबंद वाहन तेजी से चलाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि होविट्जर ऐसे इलाकों में सेना की जरूरतें पूरी करने वाली है। इस ऑटोमेटिक तोप की जो मारक क्षमता है वो 38 किलोमीटर तक है। महज 15 सेकंड में ये तोप दुश्मन पर 3 गोले दाग सकती है। ये तोप जीरो रेडियस पर घूमकर वार कर सकती है। इसमें 155 मिलीमीटर की तोप है जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर तक है। इसमें टैंकों की तरह ट्रैक भी लगे हैं जिससे मैदानी इलाकों में भी इस्तेमाल करना इससे आसान हो जाता है। इसमें 5 सैनिकों का एक क्रू रहता है जो मजबूत बख्तर से महफूज होते हैं। K9 वज्र का निर्माण मुंबई की फर्म लार्सन एंड टर्बो और दक्षिण कोरिया फर्म के साथ मिलकर ये दोनों कंपनियों ने किया है। आपको बता दें कि साल 1986 के बाद पहली बार भारतीय सेना में कोई भारी तोप शामिल हुई है। आपको बता दें कि K9 की जो खूबियां हैं वो उसे अपनी श्रेणी में सबसे बेस्ट बनाती हैं। आइए समझते हैं एक नजर में कि कैसे K9 वज्र तोप होविट्जर इतनी खास है। दक्षिण कोरियाई होविट्जर K9 थंडर का ये भारतीय संस्करण K9 वज्र ऑटोमेटिक तोप है। 38 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K9 जीरो रेडियस पर चारों तरफ घूमकर वार करती है। 155 mm और 52 कैलिबर की 50 टन वजनी तोप से 47 किलो का गोला निकलता है जो दुश्मन को खाक कर देता है। 15 सेकंड के अंदर ये 3 गोले दागने की क्षमता रखता है। सड़क और रेगिस्तान में इसके संचालन में कोई दिक्कत नहीं आती है, ये वहां भी आराम से काम कर सकता है। आपको बता दें कि ये तोप जो है वो 80% जो है मेड इन इंडिया है और अब इस तोप को चीन से लगती सीमा पर तैनात करने की योजना सेना की भारतीय सेना बना रही है। आपको बता दें कि अत्यधिक भीषण ठंड की परिस्थितियों में होविट्जर तोपों को संचालित करने के लिए लद्दाख में रेजिमेंटों में विशेष टेंट और केंद्र बनाए गए हैं। इस सेल्फ प्रोपेल्ड तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है, लेकिन आपको बता दें कि ये पूर्वी लद्दाख में 16,000 फीट तक की ऊंचाई के पहाड़ों में 50 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को सफलतापूर्वक जो है वो भेद देती है। पूरी लद्दाख और चीन के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना अब इन तोपों को जो है वो महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात करेगा जहां से चीन का मुकाबला करने के लिए इन तोपों के जो मुंह है वो खोले जाएंगे। आपको बता दें कि ये जो तोपे हैं वो LSE पर बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाली है और आने वाले वक्त में ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी सीमा पर जो है वो बनकर।